वेलकम टू माय चैनल फूडशिप। आज की रेसिपी है चिकन शोरमा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आप देख सकें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं चिकन शोरमा। चिकन शोरमा बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है मैंने। अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, छोटी इलायची का पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर करें और एक घंटा इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें। चिकन शोरमा ताहिनी सॉस के साथ सर्व किया जाता है, तो इसके लिए ताहिनी सॉस भी बना लेते हैं। ताहिनी सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप सफ़ेद तिल, नमक स्वाद के अनुसार, दो चम्मच ऑलिव ऑयल, एक से डेढ़ चम्मच नींबू का रस, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करें और स्मूथ पेस्ट बना लें। हमारा ताहिनी सॉस बनकर तैयार है। अगर आप ताहिनी सॉस किसी वजह से नहीं बना पाते हैं तो आप इसकी जगह मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे एक बोल में निकालें और एक साइड रख लें। चिकन को मैरिनेट किए हुए एक घंटा हो चुका है। अब एक पैन में 5 से 6 चम्मच तेल गरम करें और इसमें चिकन के पीसेस को धीमी आंच पर पकाएंगे। इसे कवर करें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। जब चिकन थोड़ा सा गल जाए तो इसे पलटे की सहायता से इस तरीके से कट कर लें। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। नॉर्मली चिकन शोरमा जो है तंदूर में पकाया जाता है, आप चाहें तो इसे तंदूर भी कर सकते हैं या ओवन में भी पका सकते हैं। अब इसे कवर करेंगे और थोड़ा देर और पकाएंगे। करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। ये अच्छी तरह गल गया है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे एक साइड रख दें। चिकन शोरमा जो है पीटा ब्रेड में सर्व किया जाता है। इसकी रेसिपी आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। अब इस तरीके से पीटा ब्रेड लें, इस पर धनिया की चटनी फैलाएं। धनिया की चटनी में मैंने थोड़ा सा दही डाला है, जिससे ये बिल्कुल मार्केट की तरह टेस्ट करता है। अब इसके ऊपर ताहिनी सॉस लगाएं, या ताहिनी सॉस की जगह आप मेयोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से प्याज टमाटर, आप इस पर मनचाहे सलाद आप लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ चिकन शोरमा लगाएंगे। अब इसे रोल करें और टूथपिक की सहायता से इसे लॉक कर लें। चिकन शोरमा बनकर तैयार है। इसे मेयोनीज के साथ या ताहिनी के साथ या हरी चटनी के साथ इसे गरम गरम सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।